हेलो नमस्ते टशी दिले, आई होप आप सब अच्छे हो। खुराओं से संग मा देवी गिरी। तो लास्ट टाइम मैंने आपको किचन गार्डन टूर करवाया था यहाँ पे, बट मैं बहुत सारी चीज़ें मिस कर गई हूँ। बहुत सारी चीज़ें उस वक्त छोटी थी और बड़ी भी थी जो मैं मिस कर गई हूँ लिटरली। तो आई थॉट व्हाई शुडंट आई मेक अ वीडियो अगेन, एक प्रॉपर वीडियो फिर से बनाऊँ और आपको दिखाऊँ मैं यहाँ पे एग्जैक्ट क्या क्या उगाया हुआ है। और जितनी भी वेजिटेबल्स और दाल वगैरह यहाँ पे जो भी उगाए वो सब कुछ ऑर्गेनिक है। जैसे जो बड़े खेतों में उगाया है उनमें हमें फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि आपको मालूम है बहुत जब लार्ज अमाउंट में वेजिटेशन करनी हो तो कीड़े भी लग जाते हैं, कहीं पे ख़राब भी हो जाते हैं, फर्टिलाइज़र वहाँ पे यूज़ करना ही पड़ता है हमें। फर्टिलाइज़र एंड स्प्रे टाइम टू टाइम करने पड़ते हैं। तो अभी जो हम अपने खाने के लिए उगाते हैं वो एक थोड़े कम अमाउंट में होता है, तो उसकी हम देखभाल अच्छे से कर सकते हैं और थोड़ी पूरी चीज़ें जो है वो ऑर्गेनिक वे में हम हैंडल कर सकते हैं। तो जितनी भी यहाँ पे खाने की चीज़ें वो सारी ऑर्गेनिक है। यानी हंदा दे लास्ट टाइम ना आइटम मंगबो जी ठेबा जे शो क्यों जोलते हैं चलो ना। हाँ बस यही मेन मेरी बात ये है कि मैं वीडियोज़ जो है मेरी स्क्रिप्टेड नहीं होती है। एक्चुअली मैं रैंडमली वीडियो बनाती हूँ, जब मेरा मन करता है तब मैं वीडियो बनाने लग जाती हूँ। इस वजह से हो जाती है कई बार मैं बहुत सारी चीज़ें स्किप कर जाती हूँ। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको कंप्लीट टूर करवाऊँगी कि एग्जैक्ट यहाँ पर क्या क्या हमने उगाया हुआ है। अनि हो या थंदांगा रेरे छिंतो हैं दो खुरा जो लास्ट टाइम ये वीडियो दिन अलग खर घर ठेबा जेश वहाँ दी गंगजा तो हैं देंगे गारा जो है किचन गार्डन ला अन थंदा छे था दाल था दिला खरीद खरीद तब शक्यो दी गंगजा ही ऑर्गेनिक रे गंगजा अनि केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर एंड यूज छो मार रहा गंगजा दिला ऑर्गेनिक रे एंड हो या खुरा जो थीजे मंगवो मासा हो रहा। अनि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो ज़्यादा वक्त आपका ना लेते हुए तो मैं डायरेक्टली आपको अभी किचन गार्डन का टूर करवाती हूँ। तो जो सबसे पहली चीज़ मैं भूल गई, इतनी बड़ी मतलब चीज़ मैं भूल गई, वो मैं आपको दिखा दूँगी, वहाँ से मैं आपको स्टार्ट करवा दूँ। छे शो यो आता है किचन गार्डन आई होगी छे शो देंगे ठेबा जोगियोश तो हो देंगे थोशे खेरा चलते हो रहा। सबसे पहले मेरे बैक साइड में ये है ट्री, ये आप पेड़ देख सकते हैं, ये एक्चुअली पलम के ट्रीज़ हैं। प्लम जिसको कहते हैं, पलम हम नॉर्मली कैजुअल लैंग्वेज में कहते हैं, सभी कहते हैं, आपको मालूम होगा। पलम यहाँ पे लगे हुए हैं और साथ में एप्रिकॉट वाला पेड़ भी यहाँ पे है। तो मैं एक बार आपको अच्छे से दिखा देती हूँ और बाकी जो जो चीज़ें हैं उनका भी मैं अच्छे से टूर आपको करवा देती हूँ। तो ये है पलम वाला पेड़। सबसे पहले ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पे अभी छोटे छोटे पलम लगे हुए हैं। अभी कलर इनका आया नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। मनाली में ऑलरेडी खा के ख़त्म कर दिए लोगों ने, बट यहाँ लाहौल में थोड़े लेट उगते, लेट पक जाते हैं। सितंबर में आई थिंक ये पक जाएंगे। तो ये हमारा पलम वाली पेड़ और ये है एप्रिकॉट वाला पेड़। ये एप्रिकॉट वाला पेड़ है, एप्रिकॉट यहाँ पे बड़े बड़े आपको दिखेंगे ऊपर। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाई देती हूँ, अच्छे से दिखा देती हूँ। ये एप्रिकॉट है, यहाँ पे अभी पूरी तरह से पके नहीं है, ये थोड़ा टाइम लगेगा इन्हें पकड़ने में, आई मीन पकने में थोड़ा टाइम और लगेगा इन्हें। ये घास है, एक बार मैंने आपको लास्ट टाइम घास दिखाया था वो हमने काट दिया है, तो फिर से हमने घास उगाया। और ये वापस वही वाला सैलड जो लास्ट टाइम आपको दिखाया था, इसको भी हम काफ़ी बार निकाल चुके हैं, काट चुके हैं, बट अभी तक ये हमारे साथ है, इतनी जल्दी ये सूखा नहीं है। तो एंड यहाँ पे अभी ये जो चीज़ है ये कुछ समय पहले ही उगाई है। एक्चुअली यहाँ पे मेथी थी लास्ट टाइम, अगर आपने वीडियो देखी है तो मेथी थी। मेथी पक के काट चुके हम मेथी को। और ये है मूली वाले प्लांट, थोड़े से उगे, अभी काफ़ी छोटे, अभी इनको काफ़ी टाइम लगेगा। अंदर सैलेड तो सा अंदी धंधा लबू, वाइट कलर दिया लबू, लबू भजी दी इम्बा प्लांट। और
अब ये वाला जो प्लांट है ये राजमा का है, एग्जैक्ट अच्छे से नहीं हुआ है बट मैं छोटी सी राजमा आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। अब ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये एक्चुअल में राजमा, जो राजमा वाले पीस होते हैं वो, ये अभी ग्रोथ होगी इसकी और ये बड़ा हो जाएगा, लगभग इतना अभी तक इसका साइज़ हो जाएगा बाद में, और इनके अंदर फिर राजमा के जो बीन्स है वो यहाँ अंदर लगेंगे। कि ये राजमा लास्ट टाइम मुझे नहीं मालूम चल रहा था ये राजमा है या फ्रास्ट बीन है, बिकॉज उस वक्त काफ़ी छोटा था ये। तो ये सारी राजमा जो भी आपको यहाँ से दिख रही है, अब ये जो चीज़ मेरे पीछे है इसको हॉप्स कहते हैं यहाँ पे। तो हॉप्स एक्चुअली ये वाला जो प्लांट है अभी इसका कोई भी यूज़ नहीं है, जस्ट ग्रीनरी ये देता है हमें यहाँ पे, और इसका बाकी कोई मेजर बेनिफिट अभी फ़िलहाल नहीं है। एक्चुअली ये जो हॉप्स है इससे बियर बनती थी ये पापा कह रहे थे। पहले हॉप्स के प्लांट जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उगाए जाते थे यहाँ पे, लार्ज अमाउंट में इनकी प्लांटेशन होती थी, और कहते थे कि इसका काम बहुत ज़्यादा हार्डवर्क बहुत थी उसमें, रात भर जागना पड़ता था, रात को इसका काम होता था, दिन को नहीं होता था इसका काम। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम खुद अपने घर में हॉप्स से बियर बनाते हैं और उसे पी जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मशीनरी वगैरह सारी चाहिए होती है, वो घर में नहीं होती है, वो आई थिंक कहीं फैक्ट्री में ले जाते होंगे या फिर कोई जो सब्जी वाले होते हैं आई थिंक वो ले जाते होंगे खरीद के यहाँ से। बियर प्लांट हॉप्स जितना होता था बियर तुम दुर्ले सब मी खशे खशे लेंगे ले ना आल कॉमेंट बॉक्स ना शेयर छिया। मैं ये कह रही हूँ अभी बियर प्लांट देखकर आपको बियर पीने का मन कर रहा होगा, अगर आपका बियर पीने का मन किया होगा इस वाले प्लांट को देख के तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये है हमारा धनिया वाला प्लांट, और धनिया हमारी एकदम से रेडी हो चुकी है, एकदम से रेडी मतलब ऑलमोस्ट रेडी। अभी इसका कलर जो है वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये एकदम रेडी हो जाएगी, बट स्टिल अभी हम इनको यूज़ करते हैं सब्जी में डालने के लिए, तड़के में, जो इस स्टेज में भी हम इन्हें तड़के में यूज़ कर लेते हैं। तो ये है धनिया वाला प्लांट, बाकी ये घास है, अब थोड़े लंबे भी हो गए तो काफ़ी टाइम से अब निंदाई नहीं हो पाएगी इनमें। और ये है गाजर का प्लांट, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ यहाँ पे। ये ऑरेंज कलर आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे गाजर की ग्रोथ हो रही है, थोड़ा टाइम और लगेगा फिर गाजर का साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, अभी तो बहुत छोटा है, मैं पूरा नहीं निकालूंगी इसे। ये गाजर वाला प्लांट है, लबुमाऊ यार लबुमाऊ लबुमाऊ गजी प्लांट है दी दी हम तो दे धनिया धनिया दी हम तो मिक्स तब शे धनिया रहा। और ये है पालक, पालक की भी हम काफ़ी बार सब्जी खा चुके बट ये इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, बिकॉज पालक को जड़ से नहीं निकालते हम, इसके सिर्फ पत्ते निकालते हैं, जिस वजह से जो है और पत्ते निकलते हैं, तो काफ़ी लंबे समय तक पालक की सब्जी हम खा सकते हैं अपने ही ऑर्गेनिक किचन गार्डन से। पालक लपेगी तो उनका लगे मेगा ठेबा जैसा कुछ क्यों जो हाउ यो ना कॉमेंट बॉक्स ना शेयर छेरो ना कुछ ही कुछ ही पैसे रोज ठेबा सुई दुरा पैसे ही में हाँ एग्जैक्ट श्योर में कुछ ही किसी क्यों जो कन्फर्म हाउ यो ना कॉमेंट ला शेयर छेरो छिया। ओ माई गॉड फ्रॉस्टबिन, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि फ्रॉस्टबिन इतने बड़े बड़े हो चुके हैं यहाँ पे। तो जल्दी हम ऑर्गेनिक फ्रॉस्टबिन की सब्जी खा सकते हैं अपने किचन गार्डन की, यहाँ पे ढेर सारे फ्रॉस्टबिन हैं। लास्ट टाइम दिखाया था तो बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा था कि राजमा है या फ्रॉस्टबिन है, क्योंकि बहुत छोटे थे। तो ये वाला जो प्लांट है वो फ्रॉस्टबिन का है, यहाँ पर आप फ्रॉस्टबिन वाले बीन्स देख सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे कुछ और भी फ्रॉस्टबिन हमने लगाया हुआ है। और ये है बंद गोभी, यहाँ पे इसका फूल बन रहा है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको, और माइट भी सितंबर में ये भी तैयार हो जाए या फिर सितंबर स्टार्टिंग में। और इसके साथ सारी फूल गोभियाँ हैं, तो फूल गोभी अभी नज़र नहीं आएगी दूर दूर तक, बिकॉज ये थोड़ी लेट लगाई है हमने। ये है फूल गोभी के प्लांट, ये है प्याज वाला प्लांट, लास्ट टाइम दिखाया था तो बहुत ज़्यादा छोटा था, बहुत ज़्यादा छोटा था। तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगी, प्याज जो है वो रेडी हो चुका ऑलमोस्ट।
ये पिंक कलर का आपको जो दिख रहा है ये है प्याज। जब अभी इसको अच्छे से कवर करके वापस रख देंगे, बिकॉज़ अभी इसका साइज़ बड़ा नहीं हुआ है। अभी इसे निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा छोटा होगा, जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर ये खाने के काम आ जाएगा हमारे, एज अ सैलड और तड़के में लगाने के काम भी आ जाएगा। तो ये है प्याज, प्याज तो ढेर सारे, पूरी सर्दी खाएंगे तो भी ख़त्म नहीं होंगे ये प्याज, ढेर सारे हैं तो पूरी सर्दी खाएंगे तो भी ख़त्म नहीं होंगे ये प्याज। के साथ में ये टमाटर वाला प्लांट है, टमाटर थोड़े लेट उगेंगे तो फिर, अभी टमाटर लगे नहीं है इसमें। ये टमाटर वाला प्लांट है, और टमाटो के साथ में ही यहाँ पे चुकंदर है। थोड़ा सा मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको, ये आपको उतना क्लियर नहीं दिखेगा, एक्चुअली इसका कलर भी रेड रहेगा बट मिट्टी ने अभी इसको कवर किया है तो ये रेड नहीं दिख रहा है एग्जैक्टली। धोने के बाद तो ये रेड दिख ही जाएगा बट अभी ये रेड नहीं दिखेगा आपको। बट ये जो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा साफ़ किया है, ये है चुकंदर, एज अ सैलड भी काम आता है और सब्जी भी बना लेते हैं हम इसकी, और इसके पत्ते की भी सब्जी बन जाती है वैसे। एंड ये है मैरीगोल्ड का प्लांट, इसमें भी फ्लावर काफ़ी लेट आएगा, अभी नहीं आएगा इसमें फ्लावर, इसको कुछ ही समय पहले लगाया था और इसकी ग्रोथ काफ़ी जल्दी हो गई अभी। मैरीगोल्ड वैसे कहते हैं मैरीगोल्ड का जो फ्लावर है वो घर में होने से बहुत अच्छा होता है, बहुत सारी बीमारियों से भी हमें दूर करता है। मैंने कहीं पढ़ा था, एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम, इतना नॉलेज मुझे नहीं है कि मैं कन्फर्म बताऊँ, बट मैंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था कि मैरीगोल्ड घर में होना बहुत अच्छा होता है। ये है अपने पास पुदीना, पुदीना का प्लांट है ये, जब भी मिंट टी पीने का मन करेगा तो यहाँ से हम लाते हैं, और जब चटनी बनानी हो या फिर परांठे बनाने हो तो इसके बिना हमारे जो इंग्रेडिएंट है वो खाली रह जाते हैं, अधूरे। इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है अभी। ये जो आपको दिख रहा है ये समर स्क्वैश का प्लांट है, इसमें भी जो समर स्क्वैश होता है वो काफ़ी लेट उगेगा, अभी इतनी जल्दी नहीं उगेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाती हूँ मैं, ये चीज़ मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी हुई है, पहली बार मैंने यहाँ पे आके देखी। मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, बट लाहौल की लैंग्वेज में इसको कहते हैं ओमोश्रे, मुझे क्लियर याद नहीं आ रहा है बट हाँ ओमोश्रे, ओमो मतलब भालू, श्रे मतलब सेब। ये जो ऑरेंज कलर का फ्रूट आपको दिख रहा है इसको कहते हैं ओमोश्रे, एंड ये पत्ता बीच में आ जा रहा है, और कहते हैं शुगर वालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो इसके तीन चार प्लांट यहाँ पे और है, बट ऑरेंज कलर का हल्का जो कलर आया हुआ है वो सिर्फ यही था, तो मैंने आपको बस यही दिखाया अभी, बाकी उनमें अभी अच्छे से कलर नहीं आया है। और भी बड़ा इसका साइज़ होगा, लगभग जो है इतना और हो जाएगा ये। और तो लास्ट टाइम मैंने आपको आलू का खेत भी दिखाया था, तो अब दिखाती हूँ कि वो कितने बड़े हो चुके हैं। ये है आलू के प्लांट, अगर मैं इसको खींच लूँ इस तरह से तो एग्जैक्टली लगभग मेरे पास पहुँचने वाला है, मेरी हाइट लगभग ये टच करने वाला है। अभी इनमें फ्लावर इनमें आ गए हैं, बट फ्लावर आ गए हैं काफ़ी ज़्यादा लंबे हो चुके हैं। बट मैं आपको बता दूँ, आलू जो होते हैं वो जो है अक्टूबर मंथ में तैयार होते हैं लाहौल में, बाकी जगह का मुझे मालूम नहीं है एग्जैक्टली, लाहौल में अक्टूबर मंथ में आलू तैयार होते हैं, और आलू ज़मीन के नीचे है, आलू मैं निकालने की कोशिश करूँगी अगर निकले तो, बट मैं ज़बरदस्ती नहीं निकालूँगी। लेट मी ट्राई, मैं एक बार चेक करके देखती हूँ आलू निकलेगा या नहीं। आई एम रियली सॉरी, आप देख सकते हैं यहाँ पे दूर दूर तक आलू देखने को नहीं है ऊपर, तो इसको हम ढका ही रहने देंगे, बिकॉज अगर मैं आपको कह रही हूँ अक्टूबर मंथ में ये तैयार होते आलू, तो अभी अगस्त मंथ चला हुआ है, तो अगस्त में मैं इतनी जल्दी नहीं निकाल सकती हूँ इन्हें। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट।
खजिंग खिंजोल त्यो संग जुई आलू शिंगा ना खंडे छुट्टी हुए में त नली द थंदा त्यो समर रह नली त कवर रिस्पेक्ट करो यो रिंगबो छ दो आलू अजी आलू प्लांट थी यो यो रिंगबो छ। तो नेक्स्ट बड़ी चीज़ जो मैं भूल गई थी वो है ये पीछे बड़े बड़े पेड़ जो आपको दिख रहे हैं, ये एप्पल ट्रीज़ है एक्चुअली। अभी एप्पल बहुत छोटे हैं इनमें, तो ये भी मैं भूल गई थी, दो एप्पल ट्रीज़ है यहाँ पे, खुद आराम से खा सकते हैं हम इन्हें। बट जो सबसे टेस्टी होंगे हम वही खाएंगे। तो यही चीज़ है, इन एप्पल ट्री को भी मैं भूल गई थी, इतने बड़े बड़े एप्पल ट्रीज़ है फिर भी मैं भूल गई थी। मेरी आंखें पता नहीं कहाँ होती है, मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ होता है। तो किचन गार्डन में बस फ़िलहाल के लिए इतना ही है। आई होप आपने ये वीडियो इन्जॉय की हो एंड कुछ चीज़ें मुझसे स्किप हुई हो या फिर मैंने गलत बता दी हो तो कमेंट में प्लीज़ बता दीजिएगा। और बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।